some breaking news coming in where the Enforcement Directorate has seized 75 lakhs during searches conducted at 15 locations in Prayagraj belonging to jailed gangster turned politician Atiq Ahmed and his associates, which documents of over 100 properties in the name of Atiq Ahmed's close associates and firms have also been found. Cash transactions worth more than 50 crores have also been unearthed in the searches. Well, that is the big breaking news that we're getting you at this point in time, which comes in from Prayagraj, where the Enforcement Directorate has so far seized 75 lakhs during searches conducted at 15 locations in Prayagraj belonging to the jailed gangster turned politician Atiq Ahmed and his associates. I'm joined by my colleague Vinod to get us more details. Vinod, good morning. ये बताइए कि जो 75 लाख रुपीस बरामद की गई है enforcement directorate के जरिए, ये किसके पैसे हैं? क्या ये आतिक अहमद के हैं, उसके associates के हैं, और क्या आतिक अहमद को produce किया गया था court में? अभी वो कहाँ पे है और क्या कुछ जानते हैं जो सब seizure हुआ है, जो बरामद हुआ है ED के जरिए उसके बारे में? देखिए, दो एस्पेक्ट है. एक तो कल अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में लाया गया है, आज उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा. फिलहाल वो नैनी जेल में, प्रयागराज का जो नैनी सेंट्रल जेल है वहाँ पे उसको रखा गया है. सुबह 10:30 बजे उसको इस जेल से निकाला जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा. उसके साथ उसके भाई अशरफ को पेश किया जाएगा. इस बीच कल जो है ईडी की टीम ने जो है वो करीब 15 लोकेशंस पर रेड्स किए. ये सभी रेड्स अतीक के जो एसोसिएट्स हैं उनके ठिकानों पर किए गए थे, जिसमें बड़ी मात्रा में जो है रिकवरीज हुई है. उसमें करीब 100 जो इलीगल प्रॉपर्टीज हैं, उसके बेनामी संपत्तियां हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं. मोर देन 50 जो शेल कंपनीज हैं उसकी डिटेल्स पुलिस को मिली है. 75 लाख की फॉरेन और इंडियन करेंसी बरामद हुई है. 50 करोड़ से ज्यादा के लेन देन के मामले सामने आए. तो ये डिटेल्स कल ईडी को हाथ लगी है. और जो बड़ी रेड हुई है वो उनके एसोसिएट्स हैं, खासतौर पर जो उसका सीए था उसके यहाँ रेड हुई, जो एडवोकेट था अतीक का उसके यहाँ रेड हुई. तो जितने लोग जो फाइनेंसर थे अतीक के प्रयागराज में, उनके 15 लोकेशंस पर ये रेड्स कल ईडी ने कंडक्ट किया था. और माना गया कि इस रेड्स में जो डॉक्यूमेंट्स और जो प्रूफ रिकवर्ड हुए हैं, जो बरामद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा सकते हैं अतीक की. हालांकि अतीक की मुश्किलें दो तरफा घिरा हुआ अतीक. एक तो उसके ऊपर क्रिमिनल केसेस चलने वाले हैं. उमेश पाल हत्याकांड में आज उसको आरोपी बनाया जाएगा, उसके लिए कोर्ट पेश किया जाएगा. दूसरी तरफ इकोनॉमिकली उसको डैमेज करने के लिए भी जो ईडी की रेड्स है उसे कंडक्ट की गई है. माना जा रहा है कि बड़ा साम्राज्य इसमें खड़ा किया जाएगा. जानकारी साझा करने के लिए वी शैल कम बैक टू यू एज एंड व्हेन आतिक अहमद इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट इन प्रयागराज.